और आइए आगे का एजेंडा की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ के हत्या के लिए 4 लोगों को सुपारी दी गई थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। 2.5 से 3 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी, सूत्र बता रहे हैं। आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे ये लोग और 3 आरोपी पंजाब की एक जेल में कैद थे, ये जानकारी इनको लेकर सामने आ रही है। पंजाब की जेल में लॉरेंस गैंग के सदस्य से ये मिले, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी, ये बड़ी खबर। पंजाब की जेल में लॉरेंस गैंग के सदस्य से ये मिले और जिसके बाद इस पूरी हत्याकांड की साजिश की गई। 4 लोगों को सुपारी दी गई थी हत्या के लिए, सूत्र ये बता रहे हैं। अब आइए और तमाम डिटेल्स हासिल करते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज ओझा क्राइम ब्रांच दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नम्रता दुबे बाबा सिद्दीकी के घर से कनेक्ट हैं और मृत्युंजय कुमार इस वक्त कूपर अस्पताल से हमारे साथ हैं। सबसे पहले मृत्युंजय का ही रुख कर लेते हैं चूंकि कूपर अस्पताल में वहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है। अच्छा, उससे पहले सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखा दूं कि ये जो दफ्तर है यहाँ पर लगातार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आरोपी कई सारे खुलासे कर रहे हैं। रात भर से इनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में इन्होंने ये बात कबूल ली कि ये लोग 2 सितंबर से मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए के मकान पर रह रहे थे जिसका किराया करीब 14,000 रुपये था और इस हत्या की सुपारी के लिए इन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपये लिए थे। इस पूरी हत्या की सुपारी लेने में जितने लोग इन्वॉल्व थे उसके जो नंबर्स अभी तक आ रहे हैं वो 4 लोगों के नंबर आ रहे हैं, यानी कि 4 आरोपी इस पूरी हत्या में इन्वॉल्व थे जिसमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इन चारों में से 3 ऐसे आरोपी हैं जो कुछ साल पहले पंजाब की एक जेल में किसी अलग अलग मामलों में गिरफ्तार हुए थे, वहीं पर उनकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य से हुई थी जो कि किसी अन्य मामले में उसी जेल में कैद था, जिसके बाद इन सभी की दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद जो आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का था उसने इन तीनों को रेडिकलाइज किया। रेडिकलाइज करने के बाद उन्हें अपनी गैंग का हिस्सा बना लिया। हिस्सा बनाने के बाद इस पूरी साजिश में उन्हें इन्वॉल्व किया गया और फिर 2 सितंबर को उन्हें कुर्ला भेजा गया, जिसके बाद उन लोगों ने कुर्ला से बार बार आकर बांद्रा ईस्ट और बांद्रा वेस्ट में अलग अलग जगह जाकर बाबा सिद्दीकी के घर और कार्यालय की रेकी की। रेकी करने के बाद उन्हें जो बंदूक सप्लाई की गई वो भी बंदूक किसी अन्य व्यक्ति ने इन्हें कुरियर एक जो होता है जो गन सप्लाई करता है वो भी आदमी ही होता है लेकिन उसे ये नहीं पता होता है वो किसे क्या पार्सल दे रहा है। तो इस तरह से इनके पास बंदूक आई। बंदूक आने के बाद ये जो आरोपी हैं इन्हें टारगेट का डेट बताया गया लेकिन कई बार ये भी सामने बात आई कि कई बार इन्होंने बाबा सिद्दीकी को टारगेट करने की कोशिश की लेकिन इन्हें मौका नहीं मिल रहा था। कल के दिन बाबा सिद्दीकी भीड़ में थे और टारगेट करने की कोशिश हुई और कल जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने हमला कर दिया, गोलीबारी शुरू कर दी, फायरिंग की जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। रहे हमारे साथ। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर एक और बड़ी खबर आ रही है। बाबा सिद्दीकी के घर मुंबई पुलिस की टीम इस वक्त पहुंची हुई है, वहीं पर टीम मौजूद है। परिवार वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड से भी कहा जा रहा है कि वहां पर पूछताछ हो रही है। सोसाइटी में काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ, ये बड़ी जानकारी इस वक्त। मुंबई पुलिस की जो टीम है वो बाबा सिद्दीकी के घर पर पहुंची है और परिवार वालों के बयान दर्ज किए गए हैं। नम्रता दुबे मेरे साथ जुड़ चुकी है, उन्हीं के घर के बाहर वो मौजूद है। नम्रता, और क्या डिटेल्स है इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए, पुलिस ने बयान तो जरूर दर्ज किए हैं लेकिन अब जो इमारत के पास सीसीटीवी कैमरा जो आतिश आपको दिखा रहे हैं, इनकी जो डीवीआर है वो पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और डीवीआर से इस बात की छानबीन की जाएगी कि ये जो आरोपी है क्या इन्होंने यहाँ पर आकर रेकी की थी। रेकी अगर की गई थी तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, जो वॉचमैन है, जो सोसाइटी के स्टाफ है, उनसे क्या कुछ बातचीत की गई थी। और ऐसे में जो बाबा सिद्दीकी है वो बहुत बड़े नेता है, कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा बहुत ज्यादा पुख्ता की गई है क्योंकि बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरे रास्ते को यहाँ पर फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है और बैरिकेटिंग जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर की गई है। दोनों तरफ राइड कंट्रोल पुलिस को डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना यहाँ पर क्रिएट हो। आप देख सकते हैं कि इस मकबा हाइट में सबसे ऊपर की मंजिल पर सिद्दीकी परिवार रहता है। 7 बजे के करीब नमाज जनाजा जो है वो बाबा सिद्दीकी के लिए पढ़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो उनकी अंतिम यात्रा है वो सीधे मुंबई के मरीन लाइन के पास बड़ा कब्रिस्तान है वहां पर
पहुंचेगी जहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ मकबा हाइट्स के बाहर की, आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जो सोसाइटी के तमाम कर्मचारी हैं, चाहे पार्किंग के हो, वॉचमैन के हो, सबसे पूछताछ की गई है। और एक एक सीसीटीवी कैमरा, देखिए इस सीसीटीवी कैमरे की मैं बात कर रही हूँ, एक एक सीसीटीवी कैमरा जो है उसके डीवीआर को निकाला गया है पुलिस की तरफ से। छानबीन की गई है कि जो आरोपी जो शूटर्स यहाँ पर आए थे उनकी तरफ से रेकी की गई थी, तो कब वो आए थे, कौन सी वो तारीख थी, इसकी प्लानिंग कब से की गई। जो आरोपी फरहार है उनको लेकर भी जो है पुलिस की तरफ से जो छानबीन है वो की जा रही है। सोसाइटी के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो परिवार के सदस्य जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। बहुत ही गमगीन वक्त है परिवार के लिए, लेकिन पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। मैं जिस बैरिकेडिंग का जिक्र कर रही हूँ वो देखिए, यहाँ पर पुलिस पूरे रोड को ब्लॉक कर रही है क्योंकि बड़ी संख्या में बाबा सिद्दीकी के जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। और ऐसे में पूरे रास्ते को फिलहाल यहाँ पर ब्लॉक किया गया, आसपास की जितनी भी दुकानें हैं उनको बंद करवा दिया गया है। और इन दुकानों के सीसीटीवी कैमराज की भी सीसीटीवी जो फुटेज है उनको भी खंगाला जा रहा है कि अगर वो शूटर्स यहाँ पर आए थे तो उनकी तरफ से जब रेकी की गई तो कौन कौन से इलाके में गए थे, किन किन से किन किन लोगों से उन्होंने बातचीत की। तो ऐसे में फिलहाल बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम जो है वो कूपर अस्पताल में चल रहा है, लेकिन परिवार के सदस्यों का बयान भी जो है वो पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया है। जो भी लोग इससे जुड़े हैं सबका बयान यहाँ पर लिया गया है। जी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।